रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी एपिसोड. वी गोना टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक. हेलो, वेलकम बैक. हमारी जो है पहली जो रेसिपी थी विच वॉज ड्रम स्टिक्स, वो हमारी जो है मैरिनेट होकर रख चुकी है. अब जो है हम दूसरी रेसिपी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ आर क्रिस्पी चिकन बर्गर्स. उसके लिए हमने थाई पीसेस लिए हैं और हम थाई पीसेस के साथ ये करेंगे कि हम उसको बटर मिल्क के साथ मैरिनेट करेंगे. हमारे पास यहाँ पे बटर मिल्क रखा हुआ है. बटर मिल्क जो है आपके पास अगर नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज़ रेगुलर मिल्क के अंदर थोड़ा सा विनेगर डालेंगे. 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे एंड आपका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पर बटर मिल्क है. मैंने भी यही प्रोसेस किया था. इस बटर मिल्क के अंदर हमने हमारी जो चिकन थाई पीसेस हैं ये डाल देने हैं. We're gonna add hot sauce in it. Salt, तकरीबन 1 teaspoon के करीब हम इसके अंदर salt डालेंगे. हमारे पास यहाँ पे 1 teaspoon ही हमारे पास garlic powder है. And then we're gonna add 1 teaspoon oregano and some black pepper. क्योंकि हम इसके अंदर बटर मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो स्पाइसेस थोड़ी सी कम हैं, तो वी आर गोना ऐड रेड चिली पाउडर टू मेक इट अ बिट स्पाइसी. ओके, ये सारे हमने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं एंड देन वी आर गोना मैरिनेट आवर चिकन विद.
कोटिंग बैटर में रोल करें। दोबारा ड्राई कोटिंग लगा के गर्म तेल में 10 से 12 मिनट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी करें। तैयार होने पर टॉवल पेपर पर निकाल के गर्म सर्व कर दें। क्रिस्पी चिकन बर्गर, अज्जा, बोनलेस चिकन थाइस 4 अदद, बटर मिल्क 1 कप, हॉट सॉस 1/4 कप, नमक 2 चाय के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। ब्रेडिंग के लिए मैदा 2 कप, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब, बोनलेस चिकन थाइस को मैरिनेशन के अज्जा से मैरिनेट करें। अब इसे ढककर 4 या 24 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। ब्रेडिंग के लिए तमाम अज्जा बोल में मिक्स करके रख दें। चिकन निकाल के फ्लार मिक्सचर में रोल करें। अब बटर मिल्क और हॉट सॉस में डिप करें और फ्लार मिक्सचर में दोबारा कोट कर लें। फिर गर्म तेल में गोल्डन ब्राउन करें। बर्गर असेंबल करने के लिए बन पर मेयो फैलाएं, आइसबर्ग लेटिस की लेयर दें, चिकन थाइस रखें, फिर ऊपर सॉस और आइसबर्ग लेटिस डाल के सर्व कर दें। की तरफ आते हैं, उसके लिए हमें चाहिए है 1 कप के करीब मेयोनीज। बहुत ही इजी सिंपल सी सॉस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसके अंदर हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा टैंगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। इसके अंदर हम डालेंगे पेपरिका और हम इसको साथ में चेक भी करते रहें। नाइस एंड क्रिस्पी, इसको गोल्डन सा करना है हमने। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर एंड वी आर गोना ऐड सॉल्ट 1 टीस्पून। तो हम कर लेंगे मिक्स और ये हमारा मज़ेदार सा सॉस भी हो गया है रेडी। हमारी चिकन भी आई थिंक यस ऑलमोस्ट डन, थोड़ी सी देर और छोड़ते हैं इसको, जब तक हम अपनी क्रिस्पी फ्राइड चिकन है इसको हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बास्केट ले लिया है, उसके अंदर हम ये अपनी सारी फ्राइड चिकन को, बहुत ही मज़े की जो है ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन हमारी रेडी हो गई है। और इसके साथ आपने बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी गार्निश करनी है, उससे और ये जो है चिकन जो है ना मज़े की लगेगी देखने में और खाने में। ठीक है जी, बास्केट में रख सकते हैं, बास्केट नहीं है तो कोई पेपर, जैसे हमारे पास पेपर प्लेट्स होती हैं उसमें भी रख सकते हैं। बहुत ही मज़े की हमारी फ्राइड चिकन, हम जो है हमारी बर्गर की चिकन भी निकाल लेते हैं। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन, देखिए जी गोल्डन सी।
लेटस और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बर्गर रेडी है। ओके जी, दीज वर द टू रेसिपीज ऑन टुडेज मेन्यू। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से हमारे चिकन ड्रमस्टिक्स और हमारा क्रिस्पी चिकन बर्गर। Oh, 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 oh